सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष से सभी शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को अपना ACR स्कूल एजुकेशन पोर्टल में ऑनलाइन भरना है। इस विषय में मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, मगर उसके बाद से मुझे कई शिक्षकों के फीडबैक आए कि पोर्टल में उन्हें ACR भरते समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का हल इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। वीडियो में अधिक जानकारी होने के कारण वीडियो की अवधि थोड़ी अधिक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। इसके साथ जो शिक्षक इस चैनल में पहली बार आए हैं, वे उन सभी शिक्षकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाने का हमारा प्रयास रहता है, जिसका लाभ हमारे शिक्षक साथियों को होता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल में न्यू अपडेट कौन सा किया गया है जो पूर्व में नहीं था। उसके बाद अगर पूर्व में आपने ACR गलत भर दी है या अधूरी भर दी है या सबमिट कर दी है, तो अब उसको कैसे रीसेट करें, क्योंकि एक बार भरने के बाद आप उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो अब ये उपाय यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप उसको रीसेट कर सकते हैं। यूनिट ID से हमें क्या भरना चाहिए? यूनिट ID का जो पासवर्ड होता है वो स्कूल में जो पोर्टल को देखता शिक्षक उसके पास होगा, या प्रधानाचार्य या जो क्लरिकल स्टाफ उसको देखता उसके पास होगा। उसके बाद पासवर्ड आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, दोबारा यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। एम्प्लॉय ID से ACR हमें कब भरना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि पहले ये बताया गया था पोर्टल में कि आप सबसे पहले एम्प्लॉय जो ID है उसको ओपन करें और ACR भरें, तो लेकिन अब ये नया जो अपडेट किया उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले यूनिट में जाकर आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक करें। वहाँ जाकर आप सबसे पहले प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता जो आपके अधिकारी हैं उनके नाम वहाँ पे चेक करें और वहाँ पे भरें, उसके बाद आप एम्प्लॉई ID में जाएं। प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी आपके कौन से होंगे, प्रधानाचार्य के कौन से होंगे, LT के कौन से होंगे, प्रवक्ता के कौन से होंगे, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे हम देंगे। साथ ही ACR भरने के बाद कब आपकी ACR पेंडिंग रहेगी और कब तक रहेगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर अपने स्कूल का जो यूनिट है उससे हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम एम्प्लॉय में जाएंगे। अगर किसी शिक्षक साथी ने कोई अपनी CR गलत भर दी है तो वो कंट्रोल यूनिट पे जाकर संपर्क करेगा जो देहरादून में है, और वो हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका नाम है मुकेश बहुगुणा जी, वो कंट्रोल यूनिट देहरादून में पोर्टल के को देखते हैं और वो आपका रीसेट कर देंगे आपकी ID को। तो उसका उनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा वहाँ पर, और वेबसाइट में भी आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यूनिट में जाके देख लेते हैं। तो यूनिट का जो मैं सबसे पहले अपने स्कूल का पासवर्ड डालूंगा, तो मैं जैसे स्कूल का पासवर्ड डालूंगा यूनिट में जाऊंगा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट का जो पासवर्ड है वो हमारे प्रधानाचार्य और हमारे बाबू या हमारे जो शिक्षक साथी इसको देखते हैं उनके पास होगा। तो लॉगिन यहाँ पे हम जब कर लेंगे तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय ACR को चेक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी शिक्षक साथियों के नाम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे उनके आगे ग्रीन आ रहा है फील्ड कि अभी उन्होंने ACR नहीं भरी है, तो इसलिए फील्ड आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अपनी फील्ड नॉट फील्ड आ रखा है, यहाँ पर मैंने अपनी ACR सबमिट कर दी है और अब मैं उसको एडिट नहीं कर सकता। तो उसका मैं एक उदाहरण यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी ACR यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब हमने शुरुआत में भरा था तो यहाँ पे प्रतिवेदक की जो तारीख है वो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, और ना ही आपके समीक्षा अधिकारी का विवरण आ रहा है और ना ही स्वीकृत अधिकारी का विवरण आ रहा है। तो ये उन सभी शिक्षक साथियों के साथ है जिन्होंने पूर्व में पोर्टल अपडेट होने से पहले अपनी ACR भरी थी।
अब यूनिट के माध्यम से सबसे पहले आप अपने अधिकारी जो आपके प्रतिवेदक अधिकारी हैं और आपके समीक्षक अधिकारी हैं और स्वीकृत अधिकारी, इनको सबसे पहले यूनिट में जाकर भरना है। उसके बाद ही जाकर आप एम्प्लॉई आईडी में जाकर अपनी एसीआर भरेंगे, उससे पहले आपकी एसीआर नहीं भरी जाएगी। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू, अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन बंद हो गया है, तो ये ऑप्शन अब काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब ये जो एसीआर है ये नहीं भरी जाएगी। तो इसको मैंने आपको बताया कि अगर किसी शिक्षक साथी के साथ इस प्रकार की कोई समस्या आई है तो वो जो मुकेश भंगुड़ा जी है उनसे संपर्क करके इसको रीसेट कर सकते हैं, और यही इसका लास्ट उपाय है। जब तक आप रीसेट नहीं करोगे आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। अब मैं दूसरे अधिकारी जो हमारे दूसरे शिक्षक साथी उनके बारे में दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ रहा है ग्रीन है, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितने भी ग्रीन लाइन आ रही हैं उनमें से किसी ने भी अपनी सीआर नहीं भरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनका यहाँ पर नाम आ रहा है और उनका यहाँ पे पहले से पूरा भरा हुआ आ रहा है। प्रतिवेदक की तारीख भी आ रही है, कब से कब तक काम किया, प्रधानाचार्य का नाम भी आ रहा है। और अगर किसी शिक्षक साथी ने दो बार उनका प्रतिवेदक अधिकारी है या वो ट्रांसफ़र होकर आया है किसी दूसरे स्कूल में रहा, फिर दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनके दो प्रतिवेदक अधिकारी होंगे तो वो यहाँ से जाके एडिट करेंगे। तो पहला तो अपने आप ही यहाँ पे आ रहा है, जिसका पहला नहीं आएगा वो भी यहाँ पे जाकर अपना भर सकता है और उसके बाद यहाँ से क्लिक करेगा। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा उसके बाद वो यहाँ पर अपना चेक कर लेगा कि उसका जो इसमें पहले से इंफॉर्मेशन भरी गई है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पहली इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, तो जैसे हरिद्वार आ रहा है, खंड बादराबाद आ रहा है, संस्था का प्रकार आ रहा है, संस्था आ रही है, अधिकारी का नाम, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अधिकारी का नाम भी आ जाएगा जब हम पूरा भरेंगे उसको। तो यहाँ पे हम डेटा सुरक्षित कर लेंगे। तो ये पहला हमारा फील्ड है पूरा ये भरा हुआ है। अगर आप का किसी शिक्षक साथी का जो किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आया है तो उसका प्रतिवेदक अधिकारी अगर अलग होगा तो वो यहाँ पे एडिट कर सकता है, उसको यहाँ पे लिख सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे जाना होगा उसको क्लिक करके, और ये सारी डेट उसको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेट यहाँ से चेंज हो जाएगी कि कितने से कितने समय तक उसने कार्य किया है। यहाँ पर उसका टीचिंग पद जनपद, उसका जो भी जनपद में पहले कहीं और रहा होगा, इस समय हरिद्वार है, उससे पहले अगर वो देहरादून रहा होगा तो देहरादून को सेलेक्ट करेगा। जैसे देहरादून को सेलेक्ट करेगा तो ये भी उसके बदल जाएंगे। यहाँ पर कौन सा उसका ब्लॉक है वो आ जाएगा, जैसे विकास नगर हमने सेलेक्ट करा, फिर विकास नगर में कौन सा स्कूल से आया वो तो यहाँ पर हम देख लेंगे, सेकेंडरी स्कूल से आया, संस्था कौन सी थी, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल आ जाएंगे किस स्कूल से वो आया। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कोई भी स्कूल लिख लेते हैं, जैसे हमने एक क्लिक किया, अब यहाँ अधिकारी का नाम, यहाँ पे अधिकारी का नाम आ जाएगा अपने आप जब हम उसको बाद में सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है, ये एक थोड़ी समस्या इसमें उन लोगों के लिए, उन शिक्षक साथियों के लिए है जो एक स्कूल से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर आए हैं, क्योंकि उनका आधा रिकॉर्ड उस स्कूल में होगा और आधा रिकॉर्ड इस स्कूल में होगा। अगर वो नए स्कूल में आए हैं, अगर उन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड पोर्टल में अपडेट कर दिया है तो क्या होगा कि उनकी जो पुरानी सेवाएं जिस स्कूल में वो रहे हैं वहां से उनकी सेवाएं हट जाएंगी। तो एक ये समस्या है जिसका निराकरण अभी मेरे को लगता है इन्हें करना, पोर्टल में जो संशोधन होना जरूरी है। इसमें अभी भी कुछ कमियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जिनका समाधान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है। तो ये एक समस्या है उन शिक्षक साथियों की जो दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आए हैं। तो आपने देखा इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी में इसमें नाम आ रहा है, जैसे हमारे जो सीओ हैं उनका नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसी जो व्यक्ति दूसरे स्कूल से आया है तो उसको उसके दो समीक्षा अधिकारी होंगे तो उनको भी यहाँ पे वो एडिट कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर तो अधिकतर सभी लोगों का एक ही अधिकारी होंगे और वो होंगे आपके मंडलीय अपर निदेशक
गढ़वाल मंडल, जो गढ़वाल मंडल में है, और जो कुमाऊं मंडल में होंगे उनका यहाँ पे कुमाऊं मंडल आएगा, उनका नाम आएगा। तो आपने देखा कि ये एक शिक्षक का जो आईडी है वो यूनिट आईडी, सबसे पहले उसको यहाँ अपडेट करना जरूरी है, उसी के बाद जाकर एम्प्लॉय सेक्शन में जाकर अपना सीआर फॉर्म भरेगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा एसीआर, ये मैं उदाहरण उन शिक्षक साथियों को बताना चाहता हूँ जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं, तो उनका कैसे भरा जाएगा। तो जैसे हमारे प्रिंसिपल जो शिक्षक साथी हैं उनका थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही होगा। तो प्रतिवेदक अधिकारी उनके चीफ एजुकेशन ऑफिसर होंगे। अगर प्रधानाचार्य हमारे दूसरे जगह से ट्रांसफर होकर आए हैं तो उनके प्रतिवेदक अधिकारी भी दो होंगे, तो वो यहाँ से जाकर अपना एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी भी उनके समीक्षा अधिकारी एक ही होगा, अगर कुमाऊं मंडल से आएंगे तो वो बदल सकता है, बाकी उनका सेम ही रहेगा। स्वीकृत अधिकारी उनका एक ही होगा, सेक्रेटरी डायरेक्टर, तो उनका जो संशोधन है वो इस प्रकार होगा, ये प्रधानाचार्यों के लिए है। तो जब आप यूनिट में सभी टीचर्स अपना यूनिट में जाकर ये चेक कर लेंगे, ये फॉर्म यहाँ से जब सब चेक कर लेंगे उसके बाद ही जाकर आप एम्प्लॉय सेक्शन में जाएंगे। तो मैं यहाँ से अब लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा अब मैं यहाँ पर वो भरूँगा, अपना फॉर्म भरूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 11116 095। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षक साथी जिन्होंने 2-3 साल पहले अपना स्कूल एजुकेशन पोर्टल में अपनी आईडी बनाई थी तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो अभी वर्क कर रही है। लेकिन जिन शिक्षक साथी अपनी आईडी भूल चुके हैं तो उनका सबसे बेस्ट उपाय बस एक ही है कि वो अपने जो खंड में जो पोर्टल को देखते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ या अधिकारी पोर्टल को देखते हैं, उनसे संपर्क कर अपना पासवर्ड को रीसेट करा सकते हैं। और जिन्होंने एक बार भी अपना पासवर्ड नहीं बनाया है तो admin@123 का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे मैंने तो अपना पासवर्ड बना रखा है और उस पासवर्ड को मैंने सेव कर रखा है, तो आप यहाँ पर जब admin@123 लिखेंगे उसके बाद आप जब न्यू पासवर्ड में जाएंगे वहाँ पर जाकर आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो जिन शिक्षक साथियों के पास पासवर्ड नहीं है और जो भूल चुके हैं और वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर वहाँ अपना पासवर्ड रीसेट करा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाकर एम्प्लॉय में जाऊँगा और ये जो कैप्चर कोड है इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ये जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये खुल जाएगा। ये यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, जब आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहो, जब आपको admin@123 मिला तो यहाँ से जाकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको नया अपडेट की बात बताई थी वो ये है कि यहाँ पर जाकर जब मैं इसको ओपन करूँगा, क्योंकि मैं अपना ACR भर चुका हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मेरा ACR नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो आपका पहले डायरेक्ट यहाँ पे ACR खुल रहा था फॉर्म, वो अब नहीं खुल रहा है। यहाँ पे ये नया अपडेट आया कि ऑफिसर डिटेल आर नॉट फिल्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले यूनिट में जाके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है, तो वहाँ जाके भरने के बाद तब मैं दोबारा प्रोफाइल अपना खोलूँगा और सारी डिटेल को भरूँगा। वो डिटेल कैसी भरी जाएगी वो मैं यहाँ पर आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे बहुत जो शिक्षक साथी हैं उनके सामने एक समस्या और है कि जो प्रतिवेदक है और समीक्षा अधिकारी है और स्वीकृत अधिकारी है, इसके विवरण में थोड़ा वो कन्फ्यूज़न है। तो इसको मैं एक जो हमारे पास एक विभागीय पत्र आया था उसमें कुछ इस तरह के बारे में बताया गया है, और इसमें दे रखा है कि प्रधानाचार्य
जो गोपनीय आँखें भरेंगे, प्रधानाचार्यों की जो गोपनीय आँखें होगी वो उसका प्रतिवेदक जो अधिकारी होंगे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी होंगे, और जो उनका समीक्षक होंगे वो होंगे मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका का भी सेम है, प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जो प्रभारी होते हैं जिनके पास चार्ज होता है उनका थोड़ा यहाँ पे संशोधित किया हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी आ रखा है प्रतिवेदक में और समीक्षक में आ रखा है मुख्य शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जिलों में डाउट है, कुछ जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी की जगह पर मुख्य शिक्षा अधिकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अपने स्तर से इसको पता लगा लें कि यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी आएगा या मुख्य शिक्षा अधिकारी आएगा, जबकि इससे पूर्व जो सीआर भरा जाता था उस पर खंड शिक्षा अधिकारी होते थे। उसके बाद है प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापिका, यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी दिया हुआ है इनका भी और यहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी दे रखा है। इसी प्रकार प्रवक्ता, प्रवक्ता का जो प्रतिवेदक है वो आपका प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाचार्य जो भी होगा संस्था अध्यापक पूर्णकालिक, और समीक्षा अधिकारी उनका मुख्य शिक्षा अधिकारी होंगे। इसी प्रकार सेम हमारा एलटी के जो शिक्षक साथी उनका भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो अंतर है वो केवल प्रभारी प्रधानाचार्य में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको किसी भी तरह क्लियर कर लें। जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चार चीज़ें आ रही हैं, गोपनीय आँखें आ रहा है, कार्यों का विवरण, पदों का विवरण और प्रतिवेदक अधिकारी, चार आपके पास यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरी आ गई है। तो पहली कैटेगरी में आप देख रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई इसमें गलत चीज़ तो नहीं है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पद या पोर्टल आईडी, किसी में अगर किसी प्रकार की कोई गलती एरर है तो आप उसको अपने ब्लॉग कोऑर्डिनेटर के पास जाकर इसको चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्कूल का पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है कि मैंने कौन कौन सी एजुकेशन कौन कौन से सन में करी, अगर कहीं पे कोई त्रुटि यहाँ पर होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने ब्लॉक में जाकर। यहाँ पे आपको भरना होगा चिकित्सा का अवकाश, अगर पिछले वर्ष आपने कोई अवकाश लिया उसको यहाँ एंट्री कर सकते हैं, और सीसीएल के लिए और उपार्जित अवकाश, विशेष अवकाश अगर आपने कोई लिया हो या अन्य विवरण कोई हो तो यहाँ पर आप उसको एंट्री कर सकते हो। मैंने इनमें से कोई नहीं लिया तो मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, अगर आप में से किसी ने लिया हो तो उसको यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसको करने के बाद हम कार्यों का विवरण जो है यहाँ से हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यों का विवरण लिखा हुआ है कि आपने जो पिछला वर्ष था 2021-22 में विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य किए या जिला स्तर पर क्या क्या कार्य किए उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंग्लिश हो रखा है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और हिंदी में केवल यूनिकोड में आप लिखेंगे। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में आप स्पीकर ऑन करके बोल देंगे, वो यहाँ पे आप लिखता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले हिंदी सिलेक्ट करना होगा। मैंने पहले से ही कुछ लिखा हुआ था जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ये यूनिकोड में है और अभी 84 शब्द और बच रहे हैं, तो 500 शब्द तक आप इसमें लिख सकते हैं और जितने उसके जो शब्द बचेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो 500 शब्द के अंदर अंदर आप इसको लिखिए। इसके बाद आपको परीक्षा फल 2021 और 22 में यहाँ पे एंट्री करना है, और इसको लिखने के बाद आप सबसे पहले सेव करेंगे डेटा, अगर सेव नहीं करेंगे तो ये वाला डेटा सेव नहीं होगा, तो हम इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ गया और ओके हो गया, और इसको ओके कर लेंगे। एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर स्लैश हम कोई शब्द स्लैश वाले कुछ अल्फा न्यूमेरिक अगर हम यहाँ पे कोई शब्द का यूज करेंगे हिंदी में तो वो उसको सेव नहीं करेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद हम परीक्षा फल 2021-22 को यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये जो फील्ड है यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एड न्यू पे जाए, यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे परीक्षा का नाम,
जैसे आपने बोर्ड परीक्षा, होम परीक्षा जो भी है, आप पहले बोर्ड का भर लीजिए, चाहे उसके बाद होम का, तो मैं हम बोर्ड को टिक कर लेते हैं। कक्षा जैसे मैंने 12th क्लास में पढ़ाया है, सब्जेक्ट मैंने क्या पढ़ाया, इकोनॉमिक्स। कितने बच्चे सम्मिलित हुए परीक्षा में, जैसे 53 सम्मिलित हुए और उत्तीर्ण हुए हमारे इसमें 49 उत्तीर्ण हुए, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट करेगा, 92.45 इसमें परसेंट आ गया है। तो यहाँ पे हमें फिर डेटा सुरक्षित करेंगे, सेव कर लेंगे। अब देखेंगे रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पदों का विवरण, इससे पहले गोपनीय आके हमने भरी, कार्यों का विवरण अपना भरा, अब पदों का विवरण आ रहा है। इसमें आपका पद यहाँ पे दिखा रहा है, लेक्चरर, स्कूल का नाम दिखा रहा है कब से कब तक, प्रतिवेदक तारीख भी पूरा इसमें डिफॉल्ट अपने आप आ रहा है। अगर जिन स्कूलों का नहीं आ रहा वो यहाँ पे भर सकते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का नाम, ये सब कुछ अपने आप ही डिफॉल्ट इसमें आ गया है। जिन शिक्षकों का ये डिफॉल्ट नहीं आएगा तो वो उसको मैनुअली भर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक नई चीज और आई है, घोषणा करना। जैसे दो इसमें घोषणा पत्र आए हुए हैं, एक तो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में है, तो अगर आपने मेंशन किया है तो उसको यस करेंगे और फाइल इसमें अपलोड कर देंगे। ऐसी मेडिकल चेकअप के बारे, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो गई है, उनके पास अगर मेडिकल चेकअप उन्हें कराया है और उनके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे और डेट भी यहाँ पे डालेंगे। जिसके पास नहीं है वो उसको रहने देंगे और प्रीव्यू में जाकर अपना फॉर्म यहाँ पर चेक कर लेंगे। जैसे हम प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भरी वो सारी यहाँ पर आ गई है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, ये मेरी शैक्षणिक योग्यता भी पूरी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अवकाशों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ, मैंने कोई अवकाश नहीं लिया, ये आ गया। उसके बाद जो जो मैंने कार्य किए एक वर्ष में अपने विद्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या प्रदेश स्तर पे, वो यहाँ पर आ गए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पदों का विवरण यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर मेरा परीक्षा फल आ गया, क्योंकि मैंने एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे भरा था तो एक और आ गया। अगर मैं गृह परीक्षा फल भरूंगा तो मैं यहाँ पे दोबारा करूंगा, उसके लिए मेरे को वापस बैक करके जाके दोबारा भरना होगा। उसके बाद घोषणा पत्र, मैंने अभी कोई इसमें अपलोड नहीं किया, तो ये यहाँ से मैं अगर फाइनल सबमिट करूंगा तो ये मेरा फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी सीआर प्रतिवेदक अधिकारी के अप्रूवल के लिए फाइनल सबमिट हो जाएगी, और प्रतिवेदक अधिकारी जब इसको अप्रूव कर देंगे तो आपको अपनी सीआर रिपोर्ट के आगे ग्रीन टिक लगा दिखाई देगा। अगर प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा आपकी सीआर रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया गया है तो उसके आगे पेंडिंग रेड निशान पर अंकित होगा। तो इस प्रकार आप अपनी सीआर को ऑनलाइन तरीके से इस वीडियो को देखकर आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय पर विभागीय तथा शिक्षा से संबंधित जो भी नए वीडियो होंगे वो सबसे पहले आपको प्रेषित या शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।